हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज, फाउंडर रियल्टीज राइनोज एंड वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपके ओर लेके आया हूँ सेक्टर 114 के अंदर, 114 के अंदर अगर आप मास्टर प्लान देखेंगे तो 114 सेक्टर जो है वो पूरा प्योरली कमर्शियल सेक्टर है। तो और इसके ठीक सामने एक और सेक्टर 115 जो आधा कमर्शियल है और आधा इंस्टीट्यूशनल सेक्टर है। इंस्टीट्यूशनल का मतलब क्या है कि वहाँ पे सिर्फ स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स वगैरह ही आ सकते हैं। और ये जो कमर्शियल सेक्टर है वो मेरे बिल्कुल राइट साइड में आप देख सकते हो, 114 सेक्टर कमर्शियल, और लेफ्ट साइड में है इंस्टीट्यूशनल सेक्टर है अभी। तो अभी एट प्रेजेंट अगर यहाँ पे 4-5 SCOs के प्रोजेक्ट है वो मैं आपको यहाँ पे कवर करूँगा और उनके एग्जैक्ट लोकेशन बताऊँगा कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या है और आज के डेट में ग्राउंड रियलिटी क्या है और फ्यूचर में क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं। हाय गाइस, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज। अभी हम खड़े हैं 75 मीटर अपर द्वारका एक्सप्रेसवे पे जो पीछे की तरफ गुड़गांव की तरफ, मानेसर की तरफ जा रहा है और सीधा जा रहा है दिल्ली की तरफ, जो फ्यूचर में प्लानिंग के हिसाब से जो अपर द्वारका एक्सप्रेस अर्बन एक्सटेंशन रोड है UER2 है उसमें भी जाएगा। ये रोड है 75 मीटर वाइड रोड और दिल्ली की तरफ जाएगा। ऑलराइट, तो अभी ये जो फर्स्ट आप प्रोजेक्ट देख सकते हो ये आपका M3M एक्सप्रेसवे 114 सेक्टर 114 के अंदर कमर्शियल प्रोजेक्ट्स है। और तो ये छोटा प्रोजेक्ट है M3M का SCOs का। तो SCOs का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा कि ग्राउंड प्लस फोर की आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। और ये वाला जो आप लोकेशन है आपका दिल्ली के काफ़ी नियरेस्ट आ जाता है, प्लस यहाँ पे बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ फ्लोर बनाने की आपको ऑप्शंस मिलते हैं और लाइसेंस्ड लैंड होता है यहाँ पे। और अगर आप फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो यहाँ पे मल्टीपल तरीके से आपको रेंट भी आ सकता है, पूरी की पूरी बिल्डिंग की ओनरशिप आपके पास रहती है। और कुछ ऑप्शंस अभी ऐसे भी आ गए हैं जहाँ पे अगर आप आज की डेट में जैसे रेजिडेंशियल में आप फ्लोर वाइज रजिस्ट्री करवा सकते हो, फ्यूचर में यहाँ पे भी आप कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर भी फ्लोर वाइज रजिस्ट्री करके उसको सेल आउट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज की डेट में कोई एक प्रॉपर्टी है मान लीजिए 3 करोड़ रुपए की, फॉर एग्जाम्पल, तो 3 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है वो उसको खरीदने वाले लोग बहुत कम होंगे। बट फ्यूचर में अगर ऐसा प्रोविजन आ जाता है कि आप फ्लोर वाइज बेच सको तो आप जस्ट इमेजिन करिए, आप 75 लाख से 1 करोड़ रुपए का अगर आपने एक फ्लोर बेच दिया, ठीक है। तो जैसे आज के डेट में रेजिडेंशियल के अंदर लोग फायदा कमाते हैं प्रॉपर्टीज को सेल करके फ्लोर वाइज, वैसे ही आप सेम कॉन्सेप्ट पे कमर्शियल को भी आप सेल करके पैसा कमा सकते हैं। ऑलराइट, तो दूसरा अगर आपने देखा हो सेक्टर 29 की मार्केट या फिर कुनाट प्लेस की मार्केट या फिर सेक्टर 17 चंडीगढ़ की मार्केट या फिर खान मार्केट, तो वो सारी की सारी मार्केट्स क्या है, वो SCO की मार्केट है, शॉप कम ऑफिस, जहाँ पे ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पे आप शॉप क्रिएट कर सकते हो और सेकंड, थर्ड, फोर्थ फ्लोर पे या तो आप ऑफिस क्रिएट कर सकते हो या फिर आप रेस्टोरेंट को किराए पे दे सकते हो, बार को किराए पे दे सकते हो या फिर जिम वालों को किराए पे दे सकते हो या क्लिनिक को किराए पे दे सकते हो या फिर कोई गाड़ियों का शोरूम बन सकता है। ऑलराइट, तो मल्टीपल तरीके से आपको एक अच्छा खासा रेंटल की इनकम आ जाती है। तो उसी एंगल से मैं 114 सेक्टर जो एक प्योर कमर्शियल सेक्टर है एज पर मास्टर प्लान, उसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं और जहाँ पे आप ये कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। सो पहला प्रोजेक्ट मैंने आपको दिखा दिया है M3M का एक्सप्रेसवे सेक्टर 114। इसके अंदर भी मोस्टली चीजें बिक चुकी है, सोल्ड आउट है। कुछ 2-3-4 प्रोजेक्ट प्लॉट्स है जो अभी हमारे पास अवेलेबल है तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, प्रोवाइडेड आप ऊपर या नीचे दिए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारी टीम को और हमारी टीम आपको असिस्ट करेगी एक बेस्ट पॉसिबल ट्रांजेक्शन यहाँ पे एक्सपीरियंस करवाने के अंदर। और अभी हम चल रहे हैं टुवर्ड्स दिल्ली और यहाँ पे मैं आपको 4 प्रोजेक्ट्स और दिखाऊंगा। सो लेट्स मूव ऑन। और राइट साइड में क्योंकि ये कमर्शियल सेक्टर है तो यहाँ पे चिंटल्स का भी प्रोजेक्ट है, यू कैन सी, और साथ में निमई का भी प्रोजेक्ट है। ऑलराइट, तो ये ऑफिस कॉम्प्लेक्स है, चिंटल कॉर्पोरेट पार्क, यू कैन सी ऑन माय राइट साइड। और यहाँ पे निमई का प्रोजेक्ट है, ये हाई स्ट्रीट मॉल है, ये भी पोजीशन ऑफर हो चुका है इसका भी। ऑलराइट, तो राइट साइड में कमर्शियल प्रोजेक्ट और यहाँ पे एक प्रोजेक्ट और भी आएगा अभी फ्यूचर में, आ रही जाके SCOs भी आने का प्लान है, यहाँ पे उनका भी लैंड बैंक है। तो अभी अगर हम राइट साइड में अगर देखेंगे तो अभी एक प्रोजेक्ट आएगा स्पेस का, ग्रैंड सेंट्रल, यू कैन सी ऑन माई राइट साइड। सो लेट मी स्टॉप हेयर। और ये आप देख सकते हैं स्पेस का, ग्रैंड सेंट्रल,
तो यहाँ पे भी अभी काफी एडवांस लेवल पे काम हो चुका है। यहाँ पे 66 गज से लेके और लगभग आपको 150 गज तक के प्लॉट्स मिलते हैं SCOs के, ऑल राइट। और यहाँ पे भी लगभग 2.5-2.5 करोड़ रुपए से आपकी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाती है। तो ये भी सेम कॉन्सेप्ट पे काफी काम यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है, ऑल राइट। और जैसे मैंने आपको बताया कि मल्टीपल तरीके से आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे माउंट कैरमल स्कूल अभी बन रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया इंस्टीट्यूशनल सेक्टर है। और लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे प्लॉट्स का काम भी चल रहा है, तो इन प्लॉट्स को आप सिर्फ यूज कर सकते हो सिर्फ हॉस्पिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब हॉस्पिटल हो गया या फिर इंस्टीट्यूशनल एंगल से ही यूज कर सकते हो आप यहाँ पे। तो कुछ प्लॉट्स के डिमार्केशन आप पीछे देख सकते हैं, ऑल राइट। ये आपका माउंट कैरमल स्कूल है जिसकी बिल्डिंग अभी खड़ी हो चुकी है, ऑल राइट। तो फ्यूचर में यहाँ पे आपका इंस्टीट्यूशनल्स आएंगे, ऑल राइट। एक बार इंस्टीट्यूशंस आएंगे तो आप इमेजिन कर सकते हो कि किस लेवल का फुटफॉल यहाँ पे एक्सपेक्टेड है अगले 3-5 साल के अंदर। अभी चलते हैं हम थर्ड प्रोजेक्ट के ऊपर, लेट्स मूव टुवर्ड्स दिल्ली। तो यहाँ पे दो प्रोजेक्ट्स मैंने आपको ऑलरेडी कवर कर दिए हैं, M3M का एक्सप्रेस वे 114 और दूसरा प्रोजेक्ट था ग्रैंड सेंटर। अभी तीसरा प्रोजेक्ट मैं आपको दिखाऊंगा, टोटल 5 प्रोजेक्ट्स दिखाऊंगा। तो टोटल थर्ड प्रोजेक्ट्स मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, वो है M3M का ही 114 मार्केट। तो M3M ने इससे पहले एक और SCO लेके आए थे जो था सेक्टर 113 के अंदर, वहाँ पे ऑलरेडी जो 2.5-3 लाख रुपए गज के आसपास का रेट था वो बढ़ के आज की डेट में लगभग आपका 5.5-6 लाख रुपए गज का हो चुका है। तो राइट साइड लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे तो ये वाली जो लोकेशन है ये M3M 114 मार्केट की, ऑल राइट। तो सिमिलरली ये भी एक बार रोड की कनेक्टिविटी इंप्रूव हो जाती है तो यहाँ पे भी आपको अच्छा खासा एप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। अभी हम वापस चल रहे हैं और लेफ्ट मुड़ेंगे हम यहाँ से, सो दैट मैं आपको जो दो बचे हुए प्रोजेक्ट्स और हैं वो भी दिखाऊँ। तो उनमें से एक प्रोजेक्ट है MR का और दूसरा प्रोजेक्ट है आपका पारस का, ऑल राइट। तो यहाँ से भी हम लेंगे लेफ्ट, आज की डेट में अगर देखा जाए तो यहाँ पे रोड्स की जो क्वालिटी है वो उतनी अच्छी नहीं है, बट ये कि फ्यूचर के एंगल से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एज पर मास्टर प्लान काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी यहाँ पे आपकी हो जाएगी इस 114 सेक्टर के अंदर। अभी हम जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट से यहाँ पे अभी देखने वाले हैं वो है आपका MR का 114 के अंदर ABD मार्केट 114। तो वो दो फेज के अंदर आया था, फेज 1 और फेज 2। तो फेज 1 ऑलरेडी काफी पहले सोल्ड आउट हो चुका है, फेज 2 भी मैक्सिमम सोल्ड आउट हो चुका है, ऑल राइट। क्योंकि काफी अच्छा अट्रैक्टिव पेमेंट प्लान निकाला था कंपनी ने 2080 का, कि 20% पेमेंट आपको अभी देनी है, बाकी पोजेशन पे देनी है। 1.5-2 साल का वक्त था बट वो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए ही ऑफर अवेलेबल था, तो वो बहुत ही इट वाज सोल्ड लाइक ए हॉट केक इन द मार्केट। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बात करूँ, ये है थर्ड प्रोजेक्ट आपका EBD, लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो EBD MR बिजनेस डिस्ट्रिक्ट 114, ऑलराइट। तो इसका भी काफी काम अगर आप देखेंगे तो हो चुका है। तो ये इसके लिए तो मैंने एक डिटेल में और वीडियो बनाया हुआ है, तो वहां पे मैंने बहुत डिटेल में इसको एक्सप्लेन करा हुआ है इस प्रोजेक्ट को। तो EBD 114 है, यहाँ पे प्लॉट्स के डिमार्केशन वगैरह हो चुका है, तो फेज 1 सोल्ड आउट है, फेज 2 के अंदर कुछ यूनिट शायद आपको मिल जाए, ऑल राइट। तो दिस वॉज द 4th प्रोजेक्ट ऑफ MR, और MR के काफ़ी प्रोजेक्ट है SCOs के, लाइक EBD 89, EBD 99, EBD 65, EBD 114 और EBD 75A, ऑल राइट। तो ये वन ऑफ द आउट सेलिंग प्रोजेक्ट है MR का। सामने की तरफ अगर आप देखोगे तो गुड़गावा गेटवे है और लेफ्ट में लाविदा का एक प्रोजेक्ट है, और पास में ही आपके और भी फ्लैट्स हैं, तो फ्यूचर में यहाँ पे काफ़ी अच्छा कैचमेंट रहने वाला है। लाइक आपके यहाँ पे बहुत सारे लगभग 25-30 हज़ार फ्लैट्स हैं आसपास की फैसिलिटी के अंदर।
भी फ्यूचर में आपका जो है अपर द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ जाएगा। तो अभी हम जिस रोड पे आने वाले हैं वो है आपका भजघेड़ा वाला रोड है, जो लेफ्ट में दिल्ली की तरफ जाता है और राइट साइड में अपर द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ जाता है। तो मैं आपको जाके दिखा भी दूंगा कि कितनी दूर यहाँ से द्वारका एक्सप्रेसवे रहने वाला है। तो लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे तो पारस का एक प्रोजेक्ट आ रहा है, एस सी ओज की अगेन मार्केट आर्केड एस सी ओज, यू कैन सी दिस लोकेशन। सो दिस इज द पारस एस सी ओज सेक्टर 114 अगेन। तो यहाँ पे भी अभी कंस्ट्रक्शन कुछ कुछ होनी स्टार्ट हो चुकी है, यू कैन सी इनसाइड ऑफ द प्रोजेक्ट। ऑलराइट, और अभी यहाँ पे जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है, लेट्स मूव टूवर्ड्स दैट, दैट इज MR का EBD 114। मैंने आपको ऑलरेडी वो दिखा दिया है प्रोजेक्ट फेज वन का, अब मैं फेज टू का दिखा रहा हूँ आपको दूसरी तरफ से, क्योंकि उस पे दो रोड लगते हैं MR पे। तो मैंने आपको पहले पिछले रोड दिखाया था, अभी मैं आपको ये एक और एंट्री दिखा रहा हूँ सेम प्रोजेक्ट की। तो ये 18 एकड़ का प्रोजेक्ट है, तो काफ़ी बड़ी साइट है। सो वो एक दूसरा दिखाया था मैंने आपको लोकेशन, और यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यू कैन सी हेयर कि यहाँ पे आपको दिखेगी कंस्ट्रक्शन अभी हो रही है इस साइट पे, 18 एकड़ की साइट पे। ऑलराइट, तो ये मैंने आपको 5 प्रोजेक्ट्स कवर करके दिखा दिए, MR का दिखा दिया है मैंने आपको, MTM के 2 प्रोजेक्ट्स, पारस एंड स्पेस ग्रैंड सेंटर। तो आप इनमें से किसी भी प्रोजेक्ट में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं SCOs के, और अगर आप गुड़गांव दिल्ली के नज़दीक लोकेशन देख रहे हैं SCOs की, जहाँ पे आपको फ्यूचर में एक अच्छा किराया मिल सके और रेंटल इनकम आपकी बन सके, तो आप इन प्रोजेक्ट्स को कंसीडर कर सकते हैं। और यहाँ पे लगभग 2.5 करोड़ से लेके और 4-5 करोड़ के बीच की इन्वेस्टमेंट रहती है इन प्रोजेक्ट्स के अंदर, और ये कमर्शियल प्लॉट्स हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे इस लोकेशन से और आपका जो द्वारका एक्सप्रेस वे उसकी लोकेशन लगभग कितनी है। बहुत ही जल्दी आप 2 मिनट का ड्राइव है यहाँ से द्वारका एक्सप्रेस वे पे। और लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे तो ये VSR का एक प्रोजेक्ट है, यहाँ पे ऑलरेडी रिलायंस ऑपरेशनल हो चुका है, ओके, और यहाँ पे एक सिनेमा भी आना है। तो ये भी कमर्शियल सेक्टर का ही पार्ट है VSR, हालांकि ये काफ़ी पुराना प्रोजेक्ट है, बट तो अभी हम जा रहे हैं भजघेड़ा से पालम विहार वाले रोड के ऊपर हैं अभी हम, और यहाँ पे हम द्वारका एक्सप्रेस वे अगले 1 से 2 मिनट की ड्राइव पे पहुँच जाएंगे। तो मैं आपको यहाँ पे कनेक्टिविटी दिखा रहा हूँ आज के डेट में कि ग्राउंड रियलिटीज क्या है। ऑलराइट, सो दैट आप जो भी डिसीजन लें आप इन्फॉर्म डिसीजन लें, आपको ऐसा ना लगे कि कुछ आपको चीज़ें नहीं बताई गई और उसके बाद आपने डिसीजन लिया है। ऑलराइट, सो और अगर आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो ऊपर या नीचे दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्लस इसके अलावा आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, #SCO ऑन दिस नंबर 8858484084। ऑलराइट, और विल गेट बैक टू यू इन लेस देन 24 आवर्स और एज क्विकली एज पॉसिबल। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सेक्टर 29 की मार्केट अगर आप गए होंगे तो SCOs का कॉन्सेप्ट आपको बड़ा क्लियर होगा। ऑलराइट, तो एक तरीके से जिन लोगों ने सही टाइम पे इन्वेस्टमेंट करी है उन लोगों को आज बैठे बिठाए अच्छा किराया आ रहा है, उनकी जो जनरेशंस हैं वो उनको दुआएं दे रही हैं कि हाँ किसी फादर ने, हमारे फोर फादर्स ने एक अच्छा डिसीजन लिया था जिसकी वजह से 2 लाख 3 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए का किराया उनको हर महीने आ रहा है। ऑलराइट, और दिल्ली में भी जिन लोगों ने भी सही टाइम पे इन्वेस्टमेंट करी हुई होंगी खान मार्केट के अंदर या सेक्टर 17 चंडीगढ़ के अंदर या फिर कोनॉट प्लेस के अंदर, उन लोगों को भी उस लेवल का किराया आ रहा है। तो एक फ्यूचरिस्टिक अगर एंगल से अगर आप देखते हैं इन चीज़ों को तो बहुत एक पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट है SCOs की, शॉप रूम ऑफिस की। ऑलराइट, बट इसके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं जो इम्पोर्टेंट आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी होती है कि आपकी इन्वेंट्री की लोकेशन क्या है, आसपास का कैचमेंट क्या है। ऑलराइट, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो मैं आपको भी ओवर द कॉल नहीं बता सकता क्योंकि कमर्शियल प्रॉपर्टीज होती है, तो इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बिजनेसमैन लोगों को सूट करती हैं। अगर आप एक डॉक्टर हैं, अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हैं, अगर आप एक इम्पोर्टर हैं, अगर आप एक एक्सपोर्टर हैं, अगर आप एक ट्रेडर हैं, तो आपके लिए डेफिनेटली ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। अगर आपका किसी भी टाइप का बिजनेस है जो फ्यूचर में अगर आप इसको अगर आप इन्वेस्टमेंट के एंगल से, अगर आप एंड यूज़ के एंगल से भी अगर आप कंसीडर करते हो, अगर आपको अगर को अपना क्लिनिक बनाना है,
अगर आपको अपना जिम चेन खोलनी है, अगर आपको अपना ऑफिस खोलना है, ऑल राइट, तो इन लोकेशंस को आप डेफिनेटली यू नो कंसीडर कर सकते हो. और जो भी अभी यू नो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है आज की डेट में द्वारका एक्सप्रेस वे के या नियर बाई एरियाज के अंदर, उसका फ़ायदा उठा सकते हो आप और फ्यूचर में एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हो अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए. ऑलराइट, सो वी आर ऑन द्वारका एक्सप्रेस वे, तो आप देख सकते हो ठीक सामने आपको दिख रहा होगा द्वारका एक्सप्रेस वे भी ऑलमोस्ट आ चुका है. तो अंडर पास है जो सीधा पालम विहार की तरफ जा रहा है और अभी हम लेफ्ट लेंगे और बिल्कुल द्वारका एक्सप्रेस वे आप देख सकते हो लगभग 1 से 2 मिनट की ड्राइव पे मैक्सिमम यू नो आ चुका है अभी सामने की तरफ द्वारका एक्सप्रेस वे. और द्वारका एक्सप्रेस वे के ऊपर हमने अलग और वीडियोस क्रिएट करे हुए हैं, उसको भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो कि आज की डेट में द्वारका एक्सप्रेस वे पे यू नो एग्जैक्टली क्या काम चल रहा है. और अगर आप द्वारका एक्सप्रेस वे पे इन एंड अराउंड एरियाज के अंदर किसी भी टाइप की यू नो इन्वेस्टमेंट देखना चाह रहे हो तो आप ऊपर या नीचे दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो हमारी टीम को, हमारी टीम आपको असिस्ट करेगी. और या फिर व्हाट्सएप कर सकते हो हैशटैग द्वारका एक्सप्रेस वे ऑन 8858484084. तो अभी हम द्वारका एक्सप्रेस वे पे ऑलरेडी आ चुके हैं ऑलमोस्ट ऑल राइट. और ये जो आप देख रहे हैं सामने की तरफ सीधा दिल्ली की तरफ रोड जा रहा है सेक्टर 113 लेफ्ट में और राइट साइड में सेक्टर 111 है. और बिल्कुल स्ट्रेट अगर आप जाएंगे तो हार्डली 1 किलोमीटर पे यू नो दिल्ली आ जाता है. लेट मी शो यू दैट ऑल्सो. जो आप अगर ग्रीन कलर का बोर्ड आप देख रहे हैं देख पाएंगे सामने की तरफ, तो वहाँ से आपका जो टोल है वो हार्डली यू नो 500 या 1 किलोमीटर यू नो बचेगा. सो यू कैन सी द सामने जो आपका टोल गेट है. ऑलराइट, सो आई होप यू गॉट द क्लैरिटी अबाउट सेक्टर 114 और कौन से टॉप 5 कमर्शियल प्रोजेक्ट्स है वो भी मैंने आपको दिखा दिए हैं और उनके एग्जैक्ट लोकेशन दिखा दिए है और यू नो एग्जैक्टली आज के डेट में क्या ग्राउंड रियलिटी है विदाउट कट. ये यू नो वीडियो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया कि रोड्स की क्या सिचुएशन है आज के डेट में, लोकेशंस की क्या सिचुएशन है, क्यों लेना चाहिए या क्यों नहीं लेना चाहिए और कौन कौन से ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है. बट फिर भी अगर आप अभी कन्फ्यूज्ड हैं और क्लैरिटी चाहते हैं तो आप इन दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम आपको असिस्ट करेगी एक बेस्ट पॉसिबल ट्रांजेक्शन एक्सपीरियंस करवाने के अंदर. और इसके अलावा अगर आपका कोई कन्फ्यूजन है तो भी आप क्लियर कर सकते हैं. इसके अलावा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए. इनकेस अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, इंडिया नंबर पर कॉल कर सकते हो. और वीडियो बहुत अच्छा लग गया तो प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, कलीग्स के साथ, जो सो दैट जो लोग भी SCOs की इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं दिल्ली के नज़दीक, एक अच्छा खासा किराया जो कमाना चाहते हैं उनकी एक हेल्प हो सके और मुझको एक मोटिवेशन मिले आपके लिए इस टाइप के और वीडियोस बनाने के लिए. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो. थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग टिल हियर. मिलता हूं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.